केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि अवैध लोगों की पहचान के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू होगा, जिसमें सभी धर्मों संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। अब तक NRC के नाम पर हमारे जहन में असम की तस्वीर उभरती थी। वहां के लोग कुछ परेशान, कुछ पीड़ित, अपनी पहचान साबित करने की जद्दोजहद में लगे हुए। लेकिन अगर असम की ही तरह पूरे देश में NRC लागू हो गया तो सोचिए क्या होगा। अब जो होगा सो होगा, लेकिन ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी जानकारी ये है कि अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कौन कौन से दस्तावेज संभालने जरूरी है। तो अगर ये माना जाए कि असम में अपनी नागरिकता साबित करने के लिए वहां के लोगों को जो दस्तावेज दिखाने पड़े वही हमें भी दिखाने पड़ेंगे, तो आइए जानते हैं कि वो जरूरी दस्तावेज कौन कौन से होंगे। देखिए, असम में रहने वाले लोगों को NRC की नई लिस्ट में शामिल होने के लिए सूची ए में दिए गए दस्तावेजों में से किसी एक को जमा करना था और सूची बी में दिए गए दस्तावेजों में से भी कोई एक दिखाना था। इसी कवायद की मदद से उनको ये साबित करना था कि उनके पूर्वज असम के ही रहने वाले थे। तो आइए जानते हैं लिस्ट ए में कौन कौन से दस्तावेज शामिल हैं। लिस्ट ए के दस्तावेज, साल 1991 का NRC, 24 मार्च 1971 तक मतदाता सूची में नाम, जमीन पर मालिकाना हक, किराएदार होने के दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, सरकारी लाइसेंस या सर्टिफिकेट, सरकार या सरकारी उपक्रम में नियुक्ति के कागज, बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य के शिक्षा बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, अदालत का आदेश, पासपोर्ट, कोई भी बीमा पॉलिसी। इस लिस्ट ए में दिए गए कोई भी दस्तावेज 24 मार्च 1971 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर असम के किसी नागरिक के पास स्थिति से पहले का कोई दस्तावेज नहीं है तो 24 मार्च 1971 से पहले का इस तरह का अपने पिता या दादा का दस्तावेज दिखाया जा सकता है। लेकिन फिर अपने पिता या दादा से अपना संबंध दिखाने के लिए लिस्ट बी में शामिल कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। लिस्ट बी के दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागजात, स्कूल बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, बैंक, बीमा, पोस्ट ऑफिस का रिकॉर्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची में नाम, कानूनी रूप से स्वीकार्य अन्य दस्तावेज, विवाहिता के लिए सर्कल अधिकारी या ग्राम पंचायत सचिव का प्रमाण पत्र। असम में 30 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC का अंतिम ड्राफ्ट जारी कर दिया गया, जिसमें आवेदन करने वाले 3.29 करोड़ लोगों में से 40 लाख से ज्यादा लोगों को जगह नहीं मिली। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या सरकार पूरे देश में NRC लागू करने के लिए असम वाला ही फॉर्मूला अपनाएगी या फिर हर राज्य के नागरिक के लिए अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अलग अलग नियम होंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।